स्वच्छंद लय, बेछूट लय, आज ये दो अजीब से शब्द हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज तक आपको मैं लय की बांट समझाता आया हूँ कि लय दो मात्राओं के बीच के गैप को कहते हैं, जो गैप हमेशा समान रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, और उसी गैप में भरने वाले बोल जो हैं वो लयकारी बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका ऑपोजिट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि लय का एक और प्रकार भी होता है जो फिक्स बांट का नहीं होता, फिर भी उसमें लय होती है। तो आइए कुछ उसके एग्जांपल्स देखेंगे और जानेंगे कि उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप भुला दे मुझे को मेरा संयोनि, मोह मुझे तोरी माया में संयोनि। वैसे तो मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत की निशुल्क सेवा संगीत प्रवाह वर्ल्ड कर रहा है। तो आप लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि इन वीडियोस पर कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों को बताएं कि हाँ, वाकई शास्त्रीय संगीत में बहुत ताकत है जो लाइट म्यूज़िक सुगम में निखार लाने के लिए काफ़ी है, है ना। कि आप अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो उसके बाद दूसरे जितने प्रकार का संगीत है उस सब पे आपकी महारत हो जाएगी, ठीक है। इस बात को मैं नहीं कहता, सभी लोग कहते हैं, सभी गुणीजन कहते हैं, और जितने कलाकार बने हैं वो सब इस चीज़ को मानते हैं। तो जो जो बारीकियां मैं बता रहा हूं उसको अपनाना आपका काम है, क्योंकि मैंने भी अपनाई है अपने गुरुओं से सीख कर। आप भी उतने ही डिसिप्लिन से अपनाइए तो आप और मैं मिलकर बहुत अच्छा संगीत सीखेंगे और नया संगीत बनाएंगे। यही संगीत प्रवाह वर्ल्ड की मान्यता है, उपज अंग नया नव निर्माण बनाएं। चलिए तो छंद लय पर आ जाते हैं जल्दी से। पहले तो मैं उन लोगों के लिए जो लय को बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए लय की परिभाषा बता दूं। जैसा कि अभी मैंने शुरू में बताया, दो मात्राओं के बीच का गैप यानी वो जो विश्रांति है उसे हम लय कहते हैं। यानी कि एक दो तीन चार, अब आपने देखा चार मैंने काउंटिंग करी, चार तक की मैंने गिनती गिनी। एक से दो के बीच में थोड़ा गैप था, दो से तीन के बीच में भी थोड़ा गैप था, और तीन से चार के बीच में भी थोड़ा गैप था। वो गैप समान था, है ना, इक्वल गैप था। बिना मेट्रोनोम के मैंने करके बताया, मेट्रोनोम के साथ करेंगे तो आपको और मालूम चल जाएगा कि इक्वल गैप कैसे होता है। अब इस गैप को बदला नहीं जाता है, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसा नहीं होता है, अनइक्वल नहीं होता है। और अगर अनइक्वल होता है तो उसका बेस भी इक्वल होता है, और यही कंसेप्ट आता है लयकारी का। पूरा वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, लय लयकारी और बांट को मैंने क्लियरली समझाया है, तो उसमें मैं ज़्यादा अभी नहीं जाकर आपका समय ज़ाया करूँगा, जल्दी से स्वच्छंद लय की परिभाषा पर आऊँगा। तो ये लय हो गई और ये लयकारी हो गई कि उसी गैप को फिल करना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक, ये लयकारी हो गई, यानी उसी टाइम पीरियड को, उसी गैप को हम कुछ ना कुछ बोलों से फिल कर रहे हैं। कभी दो गुना कर दिया, कभी तीन गुना चार गुना कर दिया। जब हम अलंकार गाते हैं उसे एक टेम्पो में गा लेते हैं, कोई गीत गाते हैं वो भी एक टेम्पो में एक लय में गाया जाता है, तो ये स्वच्छंद लय कहाँ काम आती है। और स्वच्छंद का क्या मतलब हुआ, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, आज़ाद लय, जो किसी बंधन में नहीं है फिर भी एक बंधन में है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने की एक गति है। अब इस ही गति को मैं फास्ट कर दूं, अगर मैं इतना जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊं तो ये मेरी गति फास्ट हो गई, लेकिन ये कौन सी गति है आप बता नहीं सकते। और अगर मैं इस गति में बोलने लग जाऊं तो ये गति स्लो हो गई है, लेकिन ये वो गति है जहां से मैंने शुरू किया था, ये मेरी मध्य की गति है। इसी ही गति से वो वाली गति कितनी कम थी, और इसी गति से वो जो शब्द सबसे पहले करी वो कितनी तेज थी, उनका कोई पैमाना नहीं है, कोई निश्चित। आप ये नहीं कह सकते कि ये इतने टेम्पो पे बोला गया या इतना गुना था, ये क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने गैप अनइक्वल रख रखा था, फिर भी उसकी एक लय थी। इसी को कहते हैं स्वच्छंद लय, कि ये जो बोलने की गति है। अब ये स्वच्छंद लय काम कहाँ आती है, गाने में, आलाप के पोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी राग का विस्तार करते हैं, आप उस राग के विस्तार में जो आलाप और तान लेते हैं, आलाप आप लयबद्ध भी लेते हैं और स्वच्छंद भी लेते हैं। और यही आप जब शुरू में आरोह अवरोह और पकड़ गाते हैं, उसको आप लय में नहीं गाते हैं किसी टेम्पो में कि सा रे ग म, नहीं, उसकी भी एक लय होती है, लेकिन वो भी न ज़्यादा कम न ज़्यादा तेज़ हो, उसको कहते हैं। यही आपने एक गाना सुना होगा, मोह मोह के धागे, जब वो गाना शुरू होता है तो रिदम तो शुरू से ही
शुरू हो चुकी है कि डिंग ना डिंग डिणा डिंग ना डिंग डिणा, वो चल रही है, लेकिन उसके शुरू में जो मोह मोह के धागे हैं वो रिदम में नहीं है, वो ऑफ रिदम जिसको हम कहते हैं। अब वो ऑफ रिदम ऐसा नहीं है कि बीट टू बीट चलते हुए ऑफ बीट में बोला गया है, नहीं, वो स्वच्छंद लय है लेकिन तब भी उसी लय की बंदिश के अंदर। अब इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं आपके सामने अभी राग बिलावल का आरोह अवरोह और पकड़ अगर आपको सुनाऊं, सीधा सीधा है ना, तो कैसा जा रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से हमने गाया। अब आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसमें भी एक लय थी, सा रे गा, ये हमें नहीं करना है। कैसे गाना है इसे, अब यही आलाप आप ज्यादा स्लो गा देते हैं तो सा रे ग, मैं यहां पर आलापचारी और आरोह अवरोह पकड़ का फर्क बता रहा हूं। आलापचारी जब आप कलाकार अंग में उस राग का विस्तार कर रहे हैं तब करते हैं, यानी अपने मन से उस राग के स्वरूप को आप खिला रहे हैं, कोई किताब की बंदिश नहीं है, कोई मतलब किताब की बंदिश इन द सेंस कि किताब में जो आरोह अवरोह पकड़ लिखा हुआ है वही उसी बाधा में नहीं गा रहे हैं, लिमिटेड नहीं है ना, आप आराम से गा रहे हैं वहां पर, आप बिना लय के कोई उसमें छंद नहीं आप गाते हैं। लेकिन यही आरोह अवरोह पकड़ भी ऐसे ही गाने होते हैं। आरोह अवरोह पकड़ हाँ विद्यार्थी अंग में गाया जाता है कि आरोह यानी सारे गम पद निसा और अवरोह यानी सानी धपम अग्रेसा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आना और जाना, और पकड़ मतलब आरोह अवरोह का मिश्रण और ऐसी स्वर संगतियां जो राग के चलन को तुरंत बता देती हों, उसे पकड़ कहते हैं। इसको गाते समय हम उमूमन एक लय पकड़ लेते हैं, जबकि वो लय न तो ज्यादा धीमी न बहुत तेज, ऐसे नहीं कि सा रे ग मा पा धा नी सा ऐसे होगी, या फिर सा रे ग ऐसे होगी, नहीं, उसमें कोई लय छंद वाली नहीं होगी, स्वच्छंद होगी। जैसे कि अभी मैंने बोलने की गति पकड़ी तो क्या गति हो गई, सा रे ग मा पा धा नी सा सा नि दा प म ग रे सा। अब कोई तबला नहीं, कोई लय नहीं चल रही, फिर भी इसकी एक लय थी, थोड़ा मैं ठहरा भी, ज्यादा ठहर जाता तो भी चलता, लेकिन बहुत ज्यादा ठहरने पे राग बिगड़ जाती है। अभी यही चीज काउंटिंग में नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि जब काउंटिंग में होती है ना तो ये फिक्स छंद में चलती है, जैसे ही मेट्रोनोम आ जाता है। लेकिन यही अगर मैं आपको मोह मोह के धागे बताऊं तो वहां गाना शुरू हो जाता है डिंग डा डिंग 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 डा 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 मोह मोह के धागे। ये जो पोर्शन चल रहा है ये बिल्कुल रिदम में नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक लय में है, इसे कहते हैं स्वच्छंद लय। ये अपनी फास्ट नहीं है, ज्यादा स्लो नहीं है, मगर एक लय में चल रहा है, और इसी स्वच्छंद लय में आरोह अवरोह पकड़ गाए जाते हैं, है ना, और उसके बाद गाना शुरू होता है ये मोह मोह के धागे, और यहां से रिदम है, रिदम में वो गाना चल रहा है, और वो जो स्वच्छंद लय है वो आलाप फॉर्म में है। अब वो ज्यादा मोह मोह के, अब आप कहेंगे जब लय नहीं है तो ये लय भी रख सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा धीमी है, इसीलिए वो डायरेक्टर आपको बताएंगे या कुछ सुनने में कैसी लगेगी, वहां कौन सी लय जचेगी उसको चुना जाता है। जैसे बोलने की, भाई बोलने की कोई टेम्पो थोड़ी बताया जाता है, ये तो इमोशन अनुसार होता है ना, कि अगर मुझे आपको कोई बहुत अर्जेंट बात बतानी हो, अरे यार आपको पता नहीं यार ये हो गया, अरे यार ऐसे हो गया, तो मेरी गति अपने आप फास्ट हो जाएगी। और अगर मुझे विलंब की कोई, अरे यार कैसे बताऊं, तो अपने आप आपकी देखी गति स्लो हो गई, जैसे कोई सैड इमोशन वाली बात आ गई, जैसे ही एक्साइटमेंट वाली उत्तेजना वाली है तो फास्ट हो गई, और नॉर्मल बात है तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मध्य लय मैंने पकड़ रखी है, ठीक है। तो ये इमोशन अनुसार आपको स्वच्छंद लय चुननी होती है, वही आलापों में भी होता है। अब अगर मैं आपको राग में गा के सुनाऊं ये चीज, है ना, एक ताल लगा लेता हूं, तीन ताल, और उसमें एक बंदिश आपको सुना रहा हूं, आप देखिएगा उसमें दोनों प्रकार के मैं आपको विस्तार सुनाऊंगा, लयबद्ध भी और स्वच्छंद भी। अब ये ताल चल रही है तीन ताल, धिन धिन धा धा तेन, एक लय चल रही है, 130 का टेम्पो है, आधार सकल त्रिभुवन को तू ही आधार। अब इसका विस्तार देखिएगा मैं अगर करता हूं, धनी
धनी सारे सादा प तू ही आधार। ये स्वच्छंद विस्तार था, कोई लय में नहीं किया। अब यही अगर लय में हो जाए, धनी सारे सादा प म ग म रे ग म प ग प तू ही आधार। ये आप देख रहे हैं एक लय में चल रहा था, अलग अलग लय आ सकती हैं इसमें, कम ज्यादा सब आ जाएगी। सा रे सा दा प म ग म रे सा ग रे ग प धनी सारे सा दा प तू ही आधार। ये चल रहा है लयबद्ध विस्तार, और स्वच्छंद विस्तार कैसा होगा जिसमें कोई लय नहीं है। धनी प म ग म रे कोई लय नहीं है, ग म प ग म रे सा तू ही आधार। फिर से मैंने आपको इसमें लय पकड़ ली, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों लयों में फर्क मालूम होना चाहिए कि एक छंद, एक बांट वाली लय होती है और एक स्वच्छंद लय होती है, और कहां कहां इस्तेमाल होती है मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया है। ये ख्यालों में भी इस्तेमाल होती है। अभी एक छोटी सी क्लिप में आपको दिखाऊंगा जिसमें पंडित सुरेश तलवलकर जी, बहुत ही प्रख्यात तबला वादक हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ख्याल गायकी में कैसे बेछूट लय, यानी इस ही को अगर मैं इसी बंदिश को बेछूट गाने लग जाऊं और फिर भी एक लय में है। ये बेछूट लय कहते हैं, जैसे झूठ की दान हम कहते हैं, ये बेछूट लय की बात है। मुकड़ा अंतरे का मुकड़ा कैसा बेछूट आ रहा है देखिए। जानत कोई ले ठोस ले है, और ये ख्याल में ही होती है। इसीलिए होता है कि ऐसे ख्याल गायकी को लिखा नहीं जा सकता, या तालबद्ध नहीं किया जा सकता, या लय में गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतनी आज़ाद होती है, क्योंकि उसका नाम ही ख्याल गायकी है ना। तो ख्याल तो भाई इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई सर पैर नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं कभी भी चले जाते हैं, और कितने भी आते हैं कितने भी जाते हैं, ठीक है। ताल क्रिया कैसे होती है? ताली से होती है। ताल के ऊपर आता है वो ठेका है, ठेका का मतलब ताल नहीं है, ये फर्क पहले समझ लीजिए। ताल का मतलब है ख्याल की बंदिश ताल में कही जाती है क्या, ये मेरा कहना है। ताल में नहीं कही जाती है, जैसे कि शुरू करो मुखड़ा किसी राग का, मैं ठेका लगा तो कैसे के अब कहा दूसरा दिन लगाना। वो गायक की तरफ देखता है तबला वादक, वो तबला प्लेयर की तरफ देखता है कि यहाँ कहाँ लगेगा, क्योंकि इटसेल्फ बंदिश दूसरी मात्रा कहती नहीं है, और ऐसे मात्रा टू मात्रा कही जाती है वो है ध्रुपद संगीत, और ख्याल संगीत इसी पॉइंट को अलग हुआ है। तो ये स्वच्छंद लय थी जिसका एग्जांपल मैंने दिया, जो आरोह अवरोह पकड़ में इस्तेमाल होती है, इस तरह से आलापों में इस्तेमाल होती है। और आप देखते हैं जब कोई भजन गाया जा रहा है, अब मान लीजिए बिलावल में कोई भजन चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, ऐसे मान लीजिए लास्ट का पोर्शन आ गया, अब उसमें आलाप चल रहा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ तो चल रहा है हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, और ये लय चलने के बावजूद इसमें आलाप आ रहा है, और वो भी स्वच्छंद। तो वो कोई लय में नहीं जा रहा है, कोई छंद में नहीं जा रहा है, स्वच्छंद है। तो इस तरह से स्वच्छंद लय का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये अगर बहुत अब स्वच्छंद होती है तो इसको बताने वाला कोई नहीं कि किस मीटर में चलेगा भाई, अगर मैंने थोड़ा कम कर दिया ज़्यादा कर लिया, तो वो सुनने वाले पर निर्भर करता है। और आप भी सुन ही रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, नहीं यार यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो तो बेहतर रहता है। अब कई घरानों में ऐसा होता है कि स्वच्छंद और छंद दोनों मिला के भी गाई जाती हैं, जिसका भी अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दे दूँ, मान लीजिए तू ही आधार सा न
द प ग प द नि स रे स द प म ग म रे तू ही आधार, है ना। इस तरह से मैं आराम में भी था और फिर बीच में लय भी पकड़ ली, फिर आराम में आ गया, फिर बीच में लय पकड़ ली, है ना। इस तरह से गाया बजाया जाता है, तो ये गायकी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो छंद में रहने वाली और स्वच्छंद आज़ाद रहने वाली लय दोनों को समझें, दोनों को सीखें, दोनों को गाएं। तो मेरे ख्याल से एक लय के बारे में एक नई बात आज मैंने आपको बताई होगी, एक नया नज़रिया आपको दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। आरोह अवरोह पकड़ में इसका खास करके इस्तेमाल होता है और आलापचारी में भी होता है, जैसे कि ग प ध नि सा ध प। अब ये कोई लय नहीं थी इसकी, लेकिन आपने फिर भी देखा ग प थोड़ा स्लो था और धनी सा ध प थोड़ा फास्ट था, एक झपट थी उसमें। तो ये रागों का स्वरूप होता है जहाँ पे छंद और स्वच्छंद दोनों प्रकार की, छूट और बेछूट दोनों प्रकार की लयों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखते रहें, ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें।